टू फॉर्म अ सॉलिड एक सॉलिड फॉर्म करने के लिए फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉयड और जो क्यूबॉयड बना दो क्यूब्स को जोड़ के उसका हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं ये दो क्यूब्स हैं जिनका हमें क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब दे रखा है दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है देखिए 27 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और हमें अब सरफेस एरिया निकालना है इस क्यूबॉयड का देखिए ये अब क्या है दो क्यूब ऐड करके क्या बन गया है एक क्यूबॉयड बन गया है तो इसका सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए क्यूब के एरिया से हम पहले ये एक साइड निकालेंगे तो हम वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब क्योंकि सारी साइड क्यूब की इक्वल होती हैं तो साइड का क्यूब क्या होता है वॉल्यूम होता है तो ये है हमारा 27 तो साइड का होल क्यूब हो गया 27 तो साइड कितने की आ गई जब थ्री दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है इधर जाके और अगर थ्री होता है तो क्यूब रूट बन जाता है राइट इक्वल्स टू अब हमें पता है ट्वेंटी सेवन का क्यूब रूट होता है थ्री तो थ्री सेंटीमीटर आ गई इसकी एक साइड क्यूब की ये साइड थ्री सेंटीमीटर आ गई अब थ्री ही ये होगी थ्री सेंटीमीटर तो लेंथ कितनी आ गई क्यूबॉइड की लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गई दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक की तो ये आ गई थ्री प्लस थ्री दैट इज सिक्स सेंटीमीटर आ गई अब ब्रेथ क्या हो जाएगी क्यूबॉइड की ब्रेथ ऑफ क्यूबॉयड अगर ब्रेथ देखें तो ब्रेथ कौन सी होती है दैट इज दिस वन तो ब्रेथ तो सेम ही रहेगी क्योंकि ये हमारी थ्री ही है थ्री सेंटीमीटर राइट इसके पीछे होता है क्यूबॉयड तो हमारी बढ़ती तो ब्रेथ आ गई हमारी थ्री सेंटीमीटर और हाइट हाइट कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ क्यूबॉयड देखिए हाइट भी ये वाली है चाहे इसकी काउंट करें या इसकी बात एक ही है तो ये कितनी है थ्री सेंटीमीटर ही है तो हाइट भी हमारी कितनी आ गई थ्री सेंटीमीटर तो अब सरफेस एरिया कह रहा है सरफेस एरिया का मतलब है जब भी सिर्फ सरफेस एरिया कह रहा हो तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का दैट इज टू आइज लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ तो ये कितना आ गया टू इंटू लेंथ कितनी थी सिक्स और ब्रेथ कितनी थी थ्री प्लस ब्रेथ थी थ्री हाइट थी थ्री प्लस हाइट थी थ्री लेंथ थी सिक्स तो ये कितना आ गया देखिए टू टू ये एज इट इज़ सिक्स थ्री इज ऐटीन थ्री थ्री इज नाइन प्लस एटीन तो ये लिख लेते हैं इक्वल्स टू टू इंटू एटीन प्लस नाइन प्लस एटीन तो ये कितना आ गया टू इंटू एट एट सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव एंड टू कैरी फोर फोर्टी फाइव इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर देखिए वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है और किसी भी सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी सें स्क्वायर में आएगी तो दैट मींस हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया क्यूबॉइड का दैट इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज सेवेंटीन ए क्वेश्चन नंबर टू इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमसफेयर इज टू फोर टू फाइव एंड हाफ सेंटीमीटर क्यूब वो कह रहा है का वॉल्यूम है टू फोर टू फाइव एंड हाफ सेंटीमीटर क्यूब फाइंड इट्स कर्व सर्फेस एरिया और हमें उसका कर्व सर्फेस एरिया निकालना है देखिए कैसे करेंगे देखिए वॉल्यूम दे रखा है हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर दे रखा है ये स्क्र होता है इसका वॉल्यूम दे रखा है टू फोर टू फाइव एंड हाफ सेंटीमीटर क्यूब राइट अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिसफेयर का टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब होता है राइट right? अब वॉल्यूम हमें दे रखा है टू फोर टू फाइव वन टू इक्वल्स टू टू अपॉइंट थ्री एज इट इज पाई की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन होती है क्योंकि हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें आर की जरूरत है तो वो हम किससे निकालेंगे वॉल्यूम से निकालेंगे राइट right? तो इन टू आर क्यूब आप देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके टू फाइव ज देखिए टू फोर टू फाइव इंटू टू टू फाइव ज टेन टू टू जो फोर एंड फाइव टू फोर ज एट टू टू जो फोर प्लस वन तो ये आ गया फोर एट फाइव वन अपॉन टू तो ये आया फोर एट फाइव वन अपॉन टू इक्वल्स टू फोर्टी फोर अपॉन ट्वेंटी वन इंटू आर क्यूब तो आर क्यूब कितना आ गया देखिए फोर एट फाइव वन अपॉन टू अपनी जगह ट्वेंटी वन ऊपर चला गया और फोर्टी फोर नीचे आ गया तो कैंसिल करते हैं देखते हैं ये इलेवन से जाता है कि नहीं जाता है इलेवन फोरज ऑफ फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी फोर येस इलेवन से कैंसिल हो जाएगा तो इलेवन फ़ोर जो फोर्टी फोर इलेवन फोरज ऑफ फोर्टी फोर फोर्टी फाइव इलेवन फोरज ऑफ फोर्टी फोर एंड एलेवन वन जॉ इलेवन अब देखते हैं ये तो नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा तो ये कितना आ गया देखिए अगर आप देखेंगे आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आर क्या आ जाएगा देखिए आर आ जाएगा क्यूब रूट क्योंकि यहाँ थ्री था आर के पास आर क्यूब था फोर फोर्टी वन इंटू ट्वेंटी वन अपॉन टू फोर राइट तो इसको क्या लिख सकते हैं फोर फोर्टी वन हमें पता है ट्वेंटी वन का स्क्वायर होता है तो 21 वन इंटू लिख सकते हैं 441 को अगर आप देखें 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे ये मैंने स्क्वायर रूट चैप्टर में क्लास सेवन्थ एंड एट्थ में पढ़ा रखा है प्लीज़ आप इसका डिवीजन मेथड ज़रूर करना सीखें टू टू ज फोर टू प्लस टू इज़ फोर वन वन जन फोर्टी वन उतारा तो फोर्टी वन वन ज फोर्टी वन देखिए ये ट्वेंटी वन आ रहा है ऊपर क्वेश्चन तो 21 वन इंटू लिख दिया मैंने इंटू ट्वेंटी ये वाला देखिए ये वाला अब इसी तरीके से फोर को क्या लिख सकते हो टू इंटू टू इंटू टू तो अपॉन टू इंटू टू इंटू टू आर कितना आ गया देखिए ये क्यूब रूट निकालना था तो तीन तीन के पेयर एक बार बाहर आ जाएगा तो ये आ गया ट्वेंटी वन अपॉन टू क्या लिख सकते हैं इसको 10.5 आ गया आर हमारा सेंटीमीटर में राइट अब हमें क्या निकालना था इसका कर्व सर्फेस एरिया निकालना था तो कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है टू पाए आर स्क्वायर राइट तो ये कितना आ गया टू इन टू की वैल्यू हमें पता है ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर आप चाहें तो टेन पॉइंट फाइव ले सकते हैं नहीं तो ट्वेंटी वन अपॉइंट टू भी ले सकते हैं इंटू टेन पॉइंट फाइव इंटू टेन पॉइंट फाइव पॉइंट हटाया नीचे एक एक जीरो लग गई अब सेवन वन जो सेवन सेवन वन जो सेवन सेवन फाइव जो थर्टी फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव टू जो टेन टू वन जो टू टू वन जो टू इसी तरीके से फाइव टू ज टेन फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन टू वन जो टू टू वन जो टू टू वन जो टू तो ये कितना आ गया हमारा कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमस्फेयर इलेवन इंटू थ्री इंटू ट्वेंटी वन दैट इज थर्टी थ्री इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी वन कितना आ गया थर्टी थ्री टू थ्री ज़ा सिक्स टू थ्री ज़ा सिक्स तो ये आया सिक्स नाइन्टी थ्री तो ये आ गया सिक्स नाइन्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सर्फेस एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर is the answer.